हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू आवर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं देहरादून वापस। हमारी छुट्टी होने वाली है खत्म। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का टूर खत्म हो गया। अब है देहरादून डिस्ट्रिक्ट का टूर। फिर देहरादून से हम चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। ये चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे। सब चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, क्यों? और गाइस, आजकल फूल देवी का त्योहार शुरू हो गया है, तो जय जय गोगा माता फुलिया फूल वाले आ गए। क्यों? Happy फूल दे टू ऑल। गाइस, ये देखिए, फूल दे के त्योहार के लिए बच्चे फूल डालने आए हैं, जो कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, बताया था। बच्चे ऐसे फूल कलेक्ट करके सुबह सुबह सबके दरवाजों पर डालते हैं, तो कुछ ऐसे मनाते हैं फूल दे का त्योहार। ये देखो, ये बच्चे आ रखे हैं सबके घर पे फूल डालने के लिए सुबह सुबह। ये देखिए, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, इसमें जाएंगे हम टटीट देहरादून। आज हमारे ड्राइवर है ये। आज क्या, हमेशा ही है हमारे ड्राइवर? हम तो काने के जा रहे हैं सवारी को। देहरादून देहरादून देहरादून। अभी हमें विजयनगर पे, और अभी दुकानें खुली नहीं है, बंद है अभी सुबह सुबह 7 बजे का टाइम। तो अभी मार्केट सुनसान पड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर में चहल पहल शुरू हो गई मार्केट में। गाइस, हम हैं ये, और हमारे पीछे की सवारी है ये, तो हम ससुर जी और अंशु, मैं और एक हमारे ड्राइवर, हम चारों जा रहे हैं आज देहरादून। घर के पुनः आगमन की प्रतीक्षा में नगर पंचायत अगस्त मंडी पुनः पधारेगी। ठीक है, पुनः पधारेगी। ठीक है, बोलो। ठीक है गाइस, हम लोग पहुंच गए रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पे ये टनल का काम चल रहा है। ये देखो, ये टनल कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, जा रही है? और ये हम बाईपास होके जाएंगे उस साइड से। और गाइस, ये सामने है, ये है रुद्रप्रयाग पूरा, यहाँ से और यहाँ तक। एक वो पार्क सा भी नहीं था रुद्रप्रयाग में, वो कहाँ पे होगा? रुद्रप्रयाग में नया पार्क खुला है, यही पे था वो आई हार्ट रुद्रप्रयाग वाला, वो भी है ना ऊपर ही है। हम लोग आ गए नरकोटा पे, और यहाँ पे चल रहा रेलवे का काम। ये स्कूल बस है क्या, पीली वाली सरस्वती शिशु मंदिर की बस? और यहीं पे अब रेलवे स्टेशन बनेगा, यहाँ से आएंगे अब कुछ टाइम बाद तुम है गाड़ी देहरादून छोड़ के ट्रेन से। ये देखिए, अभी ये ऑनगोइंग है काम। गाइस, यहाँ पे है एक पुल, जो कि है फोल्डिंग पुल, ये वाला। अभी तो वो खड़े होकर ना, फिर लास्ट में जब गाड़ी जाएगी फिर ये नीचे हो जाएगा, जब ट्रेन आएगी तब ऐसे ऊपर हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रक आया है इसलिए हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। और ये देखो, ये वाला पुल। काफी कुछ हो गया रुद्रप्रयाग साइड, है ना? ये देखो, यहाँ पे से उधर के लिए बनेगा पुल, और इसके नीचे से जाएगी ट्रेन। गाइस, हम लोग तीन धारा में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ये देखिए गंगा नदी का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों पहाड़ियों के बीच से होके गुजरती हुई गंगा नदी। में हमने पराठे खा दिए हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे, हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पे, तीन धारा, और हमारे बाल पूरे फिकर आ चुके हैं। देखो अपने फेवरेट वाले में, गंगा दर्शन ऐसे में उल्टा दिख रहा है। यह हमारा फेवरेट तीन धारा का भोजनालय, गंगा दर्शन भोजनालय। गंगा दर्शन भोजनालय। और कितने पराठे डोसे तुमने? हमने दो पराठे, इसने भी दो पराठे, और थोड़ा सा मैगी। अरे, और गाइस, तीन धारा में आके ये नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं खाया है ना। कितने पराठे खा लो, लेकिन जब तक ये ना खाओ तब तक तो होती नहीं है तृप्ति, तो इसलिए हम खाएंगे खीरे। गाइस, हिमगिरी बस भी निकल चुकी है अपने डेस्टिनेशन के लिए। ये देखो, हमारे पहाड़ों की आन बान शान हिमगिरी बस। बाय। और गाइस, यहाँ देखे तीन धारा में दाल भी बिक रही है, आप अपने ऑर्डर लिखा देना।
गाइस हम लोग देहरादून में पहुंच चुके हैं जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, और यहाँ का मौसम भी एकदम बढ़िया हो रखा है। धूप लगी है बढ़िया सी और क्लियर है एकदम मौसम, बादल बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल फिर से थोड़ा बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है, अब धीरे धीरे अब होने लगी है गर्मी। वैसे तो रुद्रप्रयाग में भी हो रही थी हल्की फुल्की गर्मी दिन में जब धूप लग रही थी, लेकिन सुबह शाम तो वहाँ पर ठंडा था ही, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं सुबह शाम का क्या हाल है। फिलहाल तो अभी तो गर्मी का ही मौसम है थोड़ा सा, लेकिन अभी इतनी गर्मी भी नहीं हुई है कि हम अपना स्वेटर वगैरह निकाल के ऐसी शर्ट वगैरह में घूमें। तो अभी थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत ठंड, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मौसम में अब तो। गाइस हम लोग देहरादून में पहुंच चुके थे जैसे कि मैंने आप लोगों को अपडेट कर ही दिया था। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और कुछ लोग तो कंबल के अंदर भी पैक हो चुके हैं। ये सफ़र करके बहुत थक गए हैं कि इसलिए इनको बहुत नींद आ रही है। तो हमारे ग्रुप में एक और सर शामिल हो रखा है, और अभी यहाँ पे टीवी देखने का प्रोग्राम हमने बनाया था, लेकिन कुछ लोग तो लुढ़क चुके हैं अभी से। तो अब देखते हैं क्या क्या देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं, कपिल शर्मा देखते हैं, या और क्या है ऑप्शन में, बस दो ही ऑप्शन है। देखते हैं अब और क्या देखते हैं, ठीक है। तो बस तो अभी ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। तो अब आपको एक दो दिन हमारे ब्लॉग देहरादून के देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो हमारे ब्लॉग्स को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, ठीक है। और बस बाकी सब बढ़िया। चलो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गाइस एक बात मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है देहरादून में। जब हम अगस्त पुनी में थे तो वहाँ पे शाम को बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, तूफ़ान चल रहा था एकदम। तो मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी वहाँ के तूफ़ान के, अब देखना आइडिया लगाना कितना गंदा मौसम हो रहा था वहाँ पे शाम को। गाइस शाम हो चुकी है लेकिन यहाँ पर काफ़ी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगस्त पुनी से बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, मेरी टोपी भी उड़ रही है, और यहाँ पीछे वालों के बाल भी उड़ रहे होंगे शायद। यदि तो मैं लंबी चढ़ रखी हुई है, ये देखो अभी मैं आपको, अरे सब कुछ उड़ गया। तरफ देखो जरा, ये मिट्टी वाली रोड है, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है इस साइड, और आसमान में आ चुके हैं घने काले बादल। हमारे आम के पेड़ देखो कितने तेज तेज उड़ रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है अभी टूट ही जाएंगे ये लोग, ये लोग ये आम के पेड़, और हम लोग भी देखो जरा आप कैसे उड़ रही है, यहाँ से आ रही है वो उड़ उड़ के। हाँ ये रोड से, हाँ ये मिट्टी है ना इस का पूरा यूज करते हुए बच्चे पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो मेरे इसमें कितना फोर्स लग रहा है, ये देखो इतनी तेज हवा चल रही है मेरे, आप उड़ के कैप से देख सकते हैं, मैं अभी पीछे हो रही छोड़ना। देहरादून में गर्मी होने लगी है, वहां पे भी दिन में गर्मी हो रही थी पर सुबह शाम ठंड थी। और अभी तो आज ही आई हम देहरादून में, अब देहरादून का मौसम देखेंगे कल परसों में कैसा होता है, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी अभी तो हमें गर्मी लग रही है, तो अभी गर्मी वाला मौसम है। बहुत बकवास हो गई, चलो बाय।